वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है और बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक डिश बन रही थी और हम लोग हर चीज़ को कहते हैं कि यार हमारे डिशेस में जो है टेस्ट भी हो, जायका ज़बान का बहुत ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद वो हमारे लिए हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी अच्छी हों और ज़रा सा स्पाइस भी हो। क्या स्पाइस बहुत ज़रूरी है? विदाउट स्पाइस के भी काली मिर्च जो डालती हैं। बाहर मुल्क के खाने बड़े ज़रा फीके फीके से होते हैं, चाइनीज़ खाने भी ऐसे ही होते हैं, कम कम स्पाइस होता है। लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी खानों में आपने देखा होगा बहुत सिमिलैरिटी है, और पीसी हुई और कुटी हुई मिर्चों का बेनतहा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो बारबेक्यू टाइप के खाने बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादातर दूसरी तरह बने हुए नॉर्मल खाने, ऑयली खाने पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग नॉर्मल शोरबे वाली चीज़ें भी खा लेते हैं, सब्जी गोश्त वगैरह। आज हमारे जब ऑफ कोर्स मैंने सुबह जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखी। ऑफ कोर्स वो भी रेसिपी देख रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी डॉक्टर साहब से बात करती हूँ और वो कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। बोन स्पेशलिस्ट सर्जन है, अब देखिए क्या कहते हैं वो हमें और कौन सी रेसिपी हमसे शेयर करें। एक बार फिर खुश आमदे डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी आपका। आपके लजीज खाने खा खा के तो हमने बहुत खाए हैं आपसे और आपके किचन के, लेकिन मैं उतनी खूबसूरत रेसिपी तो नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको किसी हद तक आपको उसका मज़ा आ जाए। तो मेरे पास जो रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि 4 कप्स ऑफ लव, 4 कप्स ऑफ लव, 5 स्पून ऑफ होप और 2 कप्स ऑफ लॉयल्टी, अल्लाह 1 कप ऑफ टेंडरनेस, 2 कप्स ऑफ फॉरगिवनेस, 4 क्वार्टर्स ऑफ फेथ, 1 कप ऑफ फ्रेंडशिप, 1 बुफेल ऑफ लाफ एंड 1/2 टीस्पून ऑफ स्मेल। टेक ऑल दीज इंग्रेडिएंट, टेक लव एंड लॉयल्टी, मिक्स देम थॉरोली विद फेथ, जबरदस्त, ब्लेंड इट विद टेंडरनेस, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, क्या बात, क्या बात, एड फ्रेंडशिप एंड होप, स्प्रिंकल अबंडेंटली विद लाफ, हाय, बेक इट विद सनशाइन एंड सर्व इट विद 32 थी स्माइल। ये खूबसूरत सी जो यकीन करें मुझे इतनी अच्छी लगी है, आपने मुझे इसको टेक्स्ट करना है, मुझे मैसेज करना है एंड मैं इसे शेयर भी करूँगी अगेन अपने इंट्रो में। इतना अच्छा लगा, मैं डेली इनमें ब्रेकअप में एक एक बात को ब्रीफ करती हूँ, लेकिन आज इन्होंने पूरी एक खूबसूरत सी डिश बनाई है और ये देख बड़ी खूबसूरत, ये डिश बड़ी खूबसूरत है जिसमें एहसास और मोहब्बत, प्यार, दोस्ती और जो तड़का इन्होंने लगाया है और ये सारी चीज़ें जब मिल के एक खूबसूरत वाकई में डिश है, और अगर इसकी लज्जत आपने महसूस करनी है तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालें, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ का, आपको ज़िंदगी का अगर मज़ा लेना है, खानों का तो मज़ा लेते हैं, तो मैं ये कहूँगी डॉक्टर खुर्शीद अनवर की ये डिश ज़रूर, ये रेसिपी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिसमें सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सही कहा मैंने? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खुदा करे कि हम अपना जितने भी डिशेस हैं वो इस बेस के ऊपर बनाते रहें तो ये मुल्क बड़ा खूबसूरत हो क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर जाएगा। कमिंग बीन ऑन शो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जो मतलब मेरे लिए वही मैसेज था जो उन्होंने डिश बताई, और इंशाल्लाह इनके साथ फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। मैं एक बात जी और कुछ कहना कहता चाह रहे हैं? मैं जी जी एक और बात कहता हूँ। चलो, अक्सर प्रॉब्लम्स एक होता है और वो है कि जो हमारी टेल बोन है उसका जो एंड है वो बहुत पेनफुल होता है, और लोग शर्मा हजूरी के अंदर उसे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। तो खुदा उसको कंसल्ट करे, काबिले इलाज है और इंसान 5 सेकंड के अंदर ही ठीक हो जाता है अगर उसको क्या करना चाहे, वरना महीनों ये ठीक नहीं होता। तो आप वो बरा रहे अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। इसको इंशाल्लाह टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से तो मैं चाहूँगी इजाज़त, लेकिन हम लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, मेरे व्यूवर्स मेरे साथ रहेंगे, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।